नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लेके आऊं एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो कि है लैपटॉप से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिनका बजट नहीं बन पाता है, जो कि चाहते हैं कि 30,000 के अंदर कोई ऐसा लैपटॉप मिल जाए जिसमें हम ऑटोकैड चला लें, CNC प्रोग्रामिंग सीख लें, VMC प्रोग्रामिंग सीख लें, तो आपके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। ये जो लैपटॉप है ये आप परचेस कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके बजट में भी आ जाएगा और इसके अंदर जो है आप सारे सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ ताकि जो है आप अगर ऑफलाइन मोड पे खरीदते हैं तो आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3, ये इसका नाम है और इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है। ठीक है, G4 का जो है ये प्रोसेसर है और इसमें देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, 8GB रैम मिल जाएगी और 256GB की SSD मिल जाएगी। अब इसको जो है आपको कैसे जो है हाई एंडिंग लैपटॉप में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको जो है 3,000 से 4,000 रुपए का खर्चा होगा और ये लैपटॉप जो है आपका सभी सॉफ्टवेयर्स को चला सकता है। ठीक है, तो अब करना क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर देखिए ग्राफिक्स में दिया है इंटीग्रेटेड इंटेल USD ग्राफिक्स है, मेमोरी इसमें 8GB रैम दिया हुआ है DDR4 के साथ, लेकिन इसको अपग्रेड कर सकते हैं 16GB रैम के साथ में। तो आप क्या करिए 8GB की रैम जो है आप इसमें इंस्टॉल करवा दीजिएगा, 2000 रुपए की जो है आपकी रैम पड़ेगी मैक्सिमम प्राइस, लेकिन ये काम आपको ऑफलाइन मोड पे ही करना है, कभी भी ये लैपटॉप आपको ऑनलाइन मोड पे परचेज नहीं करना है। मैं आपको ऑनलाइन मोड पे इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि लिनोवो के जितने भी लैपटॉप्स होते हैं इनकी ऑफलाइन मोड पे जो है वारंटी एक्टिवेट होती है। इसमें आपको करना क्या है कि लिनोवो का जो शोरूम है उस पे जाएंगे, वहां से जो है आप इसकी वारंटी एक्टिवेट कराएंगे और यहां पर क्या होता है जब आप अपग्रेड कराते हैं, जैसे 8GB रैम है उसको 16GB करवाएंगे, तो इसके ऑफिशियल सेंटर यानी कि लिनोवो का जो ऑफिशियल सेंटर होगा उसी सेंटर पे जो है इसको अपग्रेड कराइए, जिससे कि आपकी जो वारंटी है वो हैम्पर नहीं होगी। 2 साल की इसमें वारंटी मिलती है। अगर आपने जो है खुद से इसकी जो है एक्सपेंडेबल करवाया यानी कि 8GB से 16GB करवाया, खुद से जाके जो किसी लोकल शॉप पे करवाया, तो जो आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है लैपटॉप के साथ में वो जो है फिनिश हो जाएगी, आपको जो है उसमें आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसको जो है लिनोवो के शोरूम से ही अपग्रेड करा लेंगे, ठीक है, एक अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा और आपका ज्यादा बजट भी इसमें एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 16GB तक आपको रैम करा देना है। ठीक है, 256GB की SSD है, तो इसके साथ में आपको एक काम और कराना है कि 1TB की आपको हार्ड डिस्क, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है वो ले लीजिए, वो इसमें इंस्टॉल करा लीजिएगा साथ के साथ जब आपका जो है लैपटॉप खुलेगा, और लैपटॉप जब खुलता है तभी जो है आपको ये काम करा लेना है, 16GB रैम में एक्सपेंड करा लेना है और 1TB का जो है इसमें हार्ड डिस्क लगा लेना है। तो 3,000 से 4,500 रुपए का खर्चा आपका आ जाएगा, बट ये जो लैपटॉप है इसमें जो है आप ऑटोकैड चलाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका लैपटॉप परफॉर्म करेगा और इसमें आप सेंस ऑफ सिमुलेटर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका बजट में भी आ जाएगा और इसको जो है आसानी से आप जो है परचेज कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि जब भी आप परचेज करें तो हमेशा जो ऑफिशियल शोरूम हो उसी पर जाके कराइएगा। ठीक है, अब जो दिल्ली NCR के लोग हैं वो नेहरू प्लेस में जाएं, और मुंबई वगैरह के जो लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं या राजकोट के लोग हैं वो अपने लोकल एरिया में जो कंप्यूटर की जो मार्केट है उसमें जाएं, वहां से जो है लिनोवो के ऑफिशियल शोरूम से जाके ये परचेज करना है आपको। ठीक है, HP का और डेल का ये काफी महंगे लैपटॉप पड़ेंगे, बट ये जो है आपको सस्ता लैपटॉप पड़ जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर रखिएगा। इसके साथ में आपको जो है एक अपना एक कीबोर्ड लेना पड़ेगा, कीबोर्ड जरूर ले लीजिएगा और जो है माउस, एक अच्छा सा डेल का माउस ले लीजिए और डेल का ही जो है आप कीबोर्ड ले लीजिएगा, जिससे कि आपका जो लैपटॉप है उसका कीबोर्ड खराब नहीं होगा और आपका जो कीबोर्ड है उसकी लाइफ चलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनका की बजट जो है कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, उनको जो है क्वालिटी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो देखो उनके लिए जो है एक लैपटॉप आता है आपका, मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जिनका बजट अच्छा है तो उनके लिए देखिए लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3, ये लैपटॉप जो है ये काफी बढ़िया रहता है। इसमें देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये 256GB SSD वाला है, ये मत लीजिए, आप लीजिए 512 SSD वाला। ठीक है, आपको लेना है ये वाला लैपटॉप, देखिए लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 इंटेल कोर i5, ये देखिए लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 इंटेल कोर i5 11th जनरेशन। और देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है आपको ध्यान रखनी है
यहाँ पर जो है जब आप प्रोसेसर देखेंगे तो देखिए 11300H, ये H जरूर देख लीजिएगा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप लैपटॉप परचेस करने जाएं और आइडिया पैड 3 लेते हैं ये देख लीजिएगा। और रैम जो है आपको यहाँ पर मिलेगी 8 GB, ठीक है, तो इसमें 8 GB आपको इंक्रीज करवा लेनी है, ठीक है, और 512 GB SSD है, तो साथ में जो है 1 TB की जो है आपको हार्ड डिस्क इसमें लगवा लेनी है, जिससे कि स्पेस जो है आपका हार्ड डिस्क के ऊपर रहे, ना कि SSD के ऊपर। SSD जितनी ज्यादा खाली रहेगी आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। जैसे सॉलिड वर्क जैसा सॉफ्टवेयर है, मास्टर कैम है, एनएक्स कैम है, एनएक्स कैड है, डेल कैम है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हैवी होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो है आपको इसी टाइप का लैपटॉप परचेस करना, ये भी आपका जो है बजट में है, ठीक है। अगर आप यही डेल में लेंगे या फिर सोनी में लेंगे तो जो है आपको 80-90,000 की रेंज में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपके लिए, ये एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, ये लैपटॉप मैं खुद भी यूज करता हूँ, ये लैपटॉप जो है लिनोवो का बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है और सभी सॉफ्टवेयर्स इजीली इसमें रन कर सकते हैं। तो जो लोग भी जो है जिनका बजट ठीक ठाक है वो इस लैपटॉप में जा सकते हैं, ये लगभग आपको 60,000 की रेंज में मिल जाएगा ऑफलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड पे आप कभी भी परचेज मत करिएगा, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी चीज जो है मार्केटिंग के तौर पे जो है आपको बहुत सारे ऑफर मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको जो है प्रोग्रामिंग के फील्ड में या डिजाइनिंग के फील्ड में काम करना है तो हमेशा जो है लैपटॉप ऑफलाइन मोड पर ही परचेज करना है, क्योंकि उसमें जो है आपको उसकी कंडीशन पता होती है, उसकी परफॉर्मेंस पता होती है, और जहां से आप परचेज करते हैं उसका चेहरा पता होता है, ठीक है, तो वो अपनी मार्केट वैल्यू जो है नहीं गिराना चाहेगा, कोई भी अपने कस्टमर को जो है ऐसे नहीं खोना चाहेगा, तो इसलिए जो है आप इसको ऑफलाइन मोड पर ही परचेज करें। ऑनलाइन मोड में क्या होता है, बहुत सारे जो है ऑफर देकर जो है जो चीज देनी होती है वो चीज एक्चुअली वो पहुंचाते ही नहीं है, इसमें जो है गड़बड़ हो जाता है, इसमें फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन मोड पे जो है परचेस करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, और ये जो है लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगी। यहां पर देखो जो चीज आपको देखनी है वो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये आप ले लीजिए, ये आपका जो है काफी अच्छा बजट फ्रेंडली जो है लैपटॉप है। और जिनका बजट 30,000 के अंदर है उनके लिए जो है स्लिम शॉट ये रहेगा आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लैपटॉप आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कोई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिगरेशन है ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से जो है आपको यहाँ से जो है आपको लैपटॉप को जो है आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज मैच कर लीजिएगा, यही चीज आपको अगर मिल रही है वहां पर तभी आप जो है ये चीज परचेस करिएगा। और किसी को डाउट रहता है किसी और ब्रांड में जाने का, तो देखो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी और ब्रांड को, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप डेल में जा सकते हैं, एचपी में जा सकते हैं या लेनोवो में जा सकते हैं, ये तीनों ही ब्रांड जो है काफी ट्रस्टी ब्रांड है और जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी एसस है, एसर है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, उन पे मत जाइए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे कम होती जाती है और इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जिनकी कोई वारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तीन लैपटॉप हैं जिनकी सर्विस इंडिया के अंदर काफी अच्छी है, इसलिए जो है आप इन पे जो है आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जिस पे आपका ट्रस्ट है उसको जो है आप परचेस करिए, जिस पे आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा है उसको बिल्कुल ही मना कर दीजिए, थोड़ा सा भी डाउट आता है 1% भी आपके दिमाग में तो आप उसको जो है रिजेक्ट कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपके दिमाग में आती है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।